हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नीट यूजी 2020 की आंसर की कब तक रिलीज़ होने वाली है। साथ में एक टेंटेटिव डेट भी मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक रिलीज़ हो सकती है। एक बार जब आंसर की रिलीज़ हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या चीज़ें देखनी है, उसके बाद कैसे आपको प्रोसीड करना है। आंसर की में हो सकता है कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर सही हो, मगर एनटीए की तरफ से वो आंसर उस आंसर को गलत बताया गया हो। ऐसे केसेस में आपको एनटीए को चैलेंज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन सही है, आपकी आंसर सही है और एनटीए ने उस आंसर को गलत ट्रीट किया है, तो डेफिनेटली आपको एक मार्क्स का नुकसान हो जाएगा, जहाँ पर आपको 4 मार्क्स का फ़ायदा हो सकता था। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आंसर की रिलीज आने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिए गए आंसर सही हैं और कुछ ऐसे आंसर्स हैं जिसको एनटीए ने गलत ठहराया है, तो आप इस केस में एनटीए को चैलेंज भी कर सकते हो। आप एनटीए से ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये जो आंसर हमने दिया है ये सही है, हालांकि जो आंसर एनटीए की तरफ से ली गई है वो गलत दी गई है। तो ऐसे केसेस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप एनटीए को चैलेंज कर पाओ। तो इन चीज़ों को भी देखेंगे कि आप एनटीए को किस तरीके से चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि एक बार जब आंसर की आ गई तो उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है वो इन्हीं चीज़ों के लिए टाइम दिया जाता है कि आप अपने आंसर शीट को अच्छे से चेक कर लो, ओएमआर शीट को आप अच्छे से चेक कर लो, ओएमआर शीट को रिस्पॉन्स शीट से अच्छे से टैली कर लो, और कहीं पर अगर कुछ गलतियाँ होती है तो आप एनटीए को चैलेंज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एनटीए की तरफ से आंसर शीट कब तक रिलीज हो सकती है। टेंटेटिव डेट यूँ तो बहुत सारे मीडियम से जो पता चल रहे हैं वो ये पता चल रहे हैं कि 21 तारीख 22 तारीख तक आ जाएंगी, मगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 23 या 24 तक आंसर की रिलीज हो सकती है। वहीं अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 28 या 29 तक रिलीज हो सकती है, मतलब 28 से 30 सितंबर 2020 तक नीट 2020 की रिजल्ट पब्लिश हो सकती है। खैर, रिजल्ट पब्लिश होने से पहले 23 सितंबर, 23rd ऑफ सितंबर या 24th ऑफ सितंबर को आंसर की रिलीज हो जानी चाहिए। अब जब ये आंसर की रिलीज होगी तो आप सबसे पहले आंसर की को चेक कैसे करोगे, उसके लिए आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि www.ntaneet.nic.in है। इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना होगा। कैंडिडेट लॉगिन को आप क्लिक करोगे तो आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड पूछा जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है जो आपने नीट रजिस्ट्रेशन 2020 के टाइम में आपको मिली थी। तो इसी एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को डालोगे आप, उसमें एंटर करोगे और लॉगिन बटन को क्लिक करोगे तो वो आपका लॉगिन ले लेगा, और लॉगिन करने के बाद वो आपको आपके डैशबोर्ड में लेकर के जाएगा। जब वो आपको इस तरीके से अपने डैशबोर्ड में लेकर के जाएगा तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें ओएमआर चैलेंज की भी एक ऑप्शन रहेगी और एक अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज की भी ऑप्शन रहेगी। तो आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज। इसे आप जैसे ही क्लिक करोगे अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने आंसर की आ जाएगी और आप चेकबॉक्स बनी हुई आएगी, इस तरीके से चेकबॉक्स बनी हुई आएगी। तो चेकबॉक्स में आपको देखना है कि कौन सा आंसर जो है वो आपका जो है वो सही है और एनटीए ने उसे गलत ठहराया है। अगर आप ये चीज़ देख लेते हो कि कौन सा आंसर आपका सही है, आपने जो आंसर दिया वो सही आंसर है और एनटीए ने उसे गलत ट्रीट किया है, तो इस केस में आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हो कि ये आंसर जो मैंने दिया है ये करेक्ट है, हालांकि जो एनटीए की तरफ से ली गई है आंसर वो गलत ली गई है, या एनटीए की तरफ से जो आंसर बताई गई है वो आंसर गलत है। ऐसे केस में आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के दौरान आपको जो चैलेंज करने की प्रक्रिया है, उस चैलेंज करने के दौरान आपको सिर्फ चेकबॉक्स जो है चेकबॉक्स में आपको टिक करनी है, और उसके बाद जो आंसर की में आपकी सजेशंस होंगी वो सजेशन पे आपको सजेस्टेड आंसर की एक कॉलम होगी, उस कॉलम में आपको टिक करना है कि कौन सा आंसर आपको लगता है सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा आंसर आपको लगता है सही है वो आपको टिक करना है। और जो फोर्थ कॉलम होगा वो फोर्थ
फोर्थ कॉलम रिमार्क्स का कॉलम होगा। उस रिमार्क्स के कॉलम में आपको मेंशन करना है कि आपको क्यों लगता है कि वो आंसर सही है या आपको कैसे लगता है कि वो आंसर सही है। उसमें आप कुछ रेफरेंसेस भी दे सकते हो, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक की रेफरेंस दे सकते हो कि बुक के इस टॉपिक में ऐसा मेंशन किया गया है और इसी वजह से हमें लगता है कि ये आंसर जो हमने दिया है वो सही है और एनटीए की तरफ से जो आंसर ली गई है या आंसर दी बताई गई है वो आंसर गलत है। इस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हो जिन केसेस में आपको रिमार्क्स भी मेंशन करने होंगे। तो जब भी आप कभी आंसर की चैलेंज करते हो तो ये पेबल अमाउंट आपको एक पे करना पड़ता है। हालांकि ये जो अमाउंट आप पे करते हो 1000 रुपीज आपको हर क्वेश्चंस के लिए पे करने पड़ते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना होता है कि आप जो आंसर चैलेंज कर रहे हो वो आंसर सही है। हालांकि वो आंसर अगर सही हुआ एनटीए की तरफ से भी ये अगर माना गया कि हाँ स्टूडेंट की तरफ से जो क्लेम किया गया है वो क्लेम सही है और एनटीए ने जो आंसर बताया है वो गलत है, तो वो जो 1000 रुपीज आपने पेमेंट की है आंसर को चैलेंज करने के लिए वो 1000 रुपीज आपकी रिफंड हो जाएगी। अब ये 1000 रुपीज का जो पेमेंट आपको करना होता है वो हर एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपीज है, हर एक आंसर पर आंसर 1000 रुपीज है। अगर आप दो आंसर को चैलेंज करते हो, ऐसा क्लेम करते हो कि वो आंसर आपके सही है, दो आंसर सही है, तो आपको 2000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे से पहले आप आंसर की को देख लें, समझ लें कि हाँ आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि सही में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने सही दिया है और उसके बाद जो एनटीए ने ट्रीट किया है वो गलत लिया है, तभी आप उसको चैलेंज करो। क्योंकि अगर आपका जो क्लेम है वो सही साबित होता है तो ये 1000 रुपीज आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, मगर अगर वो क्लेम गलत साबित होता है तो ये 1000 रुपीज आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। इस तरीके से करके आप अपने आंसर की चैलेंज कर सकते हो। आंसर की चैलेंज करने के बाद आप जो ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट वो भी आपकी पब्लिश हो जाएगी। तो ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट को भी आप आपस में टैली कर सकते हैं, देख सकते हो। ओएमआर शीट ये वही ओएमआर शीट होगी जो ओएमआर शीट आपने एग्जामिनेशन में फिल किया था, ये वो सेम ओएमआर शीट होगी। तो अपने ओएमआर शीट से आप जो रिस्पॉन्स शीट है एनटीए की तरफ से जो रिस्पॉन्स शीट दी गई है उसे आपस में टैली करो कि जो आपने ओएमआर शीट में जिस क्वेश्चन का जो आंसर सिलेक्ट किया है, टिक किया है, वो सेम रिस्पॉन्स शीट में कैप्चर हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं एनटीए की तरफ से वो उस आंसर को हो सकता है कि उस क्वेश्चन के आपके सही क्वेश्चन का जो आपके सही क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं किए गए होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ओएमआर शीट से रिस्पॉन्स शीट को टैली करो कि जो रिस्पॉन्स शीट एनटीए की तरफ से दी गई है वो और जो ओएमआर शीट स्टूडेंट की तरफ से भरी गई है वो दोनों बिल्कुल सेम है या नहीं है। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में वो सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी फिर एक प्रॉब्लम वाली बात है कि आपने आंसर कुछ और दिया है ओएमआर शीट में और जो एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स शीट जारी की गई है, एनटीए की तरफ से जो रिस्पॉन्स दी गई है उसमें आंसर कुछ और दिया गया है, जो उन्होंने कैप्चर किया है वो कैप्चर गलत किया है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हों, तो उस चीज़ को भी आप फिर उस चीज़ को टैली करो और उस चीज़ के लिए भी फिर आपको चैलेंज करना होगा। और ओएमआर शीट चैलेंज करने के लिए फिर आपको जो लेफ्ट सेक्शन जहाँ पे अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज है उसके जस्ट ऊपर देखोगे तो ओएमआर चैलेंज भी दिया गया है, तो ओएमआर चैलेंज भी आप कर सकते हो। ओएमआर चैलेंज किस तरीके से आप कर सकते हो, क्यों जो ओएमआर चैलेंज है वो किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए कि मान लेते हैं कि आपसे गलती से किसी एक आंसर की में हल्का सा टिक लग गया या हल्का सा पेन का इंक लग गया है। अब वो जो है वो आपको लगता है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दिया है, मगर क्योंकि गलती से वो टिक लग गया है या हल्का सा डॉट लग गया है और एनटीए ने उसे आपका आंसर समझ के कैप्चर कर लिया, तो कहीं ना कहीं एनटीए उसे आपकी जो है वो आंसर समझेगी, वो समझेगी कि आपने टेंटेटिवली ये चीज़ें दी है, आपने अपने इच्छा से वो आंसर दी है। तो उस केस में आप ये क्लेम कर सकते हो कि ये
जो है ये मेरी ये मैंने आंसर नहीं दिया था और ये गलती से पेन डॉट जो है वो गलती से पेन से लग गया था या जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ आप क्लेम कर सकते हो। इसे आप मेरी गलत आंसर जो गलत आंसर है वो आप कैप्चर मत करो, इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, OMR शीट को भी चैलेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, ये चीज़ें जैसे ही आपकी आंसर शीट आती है आंसर की आती है तो आपको अपने OMR शीट को सबसे पहले रिस्पॉन्स शीट से टैली करना है और उसमें फाइंड आउट करना है कि कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है दोनों में, कुछ मिसमैच तो नहीं है, वो मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जब आप आंसर की आपकी पब्लिश होती है तो आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हैं, और अगर कोई क्वेश्चन जो आपने दिया है जिसका जवाब आपने दिया है वो सही है, किसी भी सोर्स से वो सही हो सकता है, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस NCERT के बुक से ही पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपने जो NCERT की बुक से पढ़ा होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दिया है और वो आंसर सही है, आपने जहाँ से कोचिंग ली है कोचिंग वालों ने भी आपको पढ़ाया होगा तो उन्होंने जो पढ़ाया कि जो भी आंसर आपको बताया है या पढ़ाया है वो एज पर तो उन्होंने सही पढ़ाया होगा। तो वो अगर आंसर आपका सही है और आपको ऐसा लगता है कि NTA की तरफ से जो आंसर दी गई है वो गलत है तो फिर आप उस क्वेश्चन को भी आप उस आंसर की को भी आप चैलेंज कर सकते हो, और दोनों के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से आपको आंसर की और OMR शीट चैलेंज करनी है। मगर एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप आंसर की में आंसर को चैलेंज करते हो क्लेम करते हो तो वो पेएबल है, 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन पर आंसर की क्लेम पे आपको पे करनी पड़ती है। तो जब आप श्योर रहो कि आपका आंसर सही है और तभी आप क्लेम करो, अदरवाइज बिना मतलब के फिर वो आप क्लेम करोगे तो वो जो 1000 रुपीज़ है वो रिफंड नहीं होंगे और आपको लॉस हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आंसर की मोस्ट प्रोबेबली 23rd-24th ऑफ सितंबर को पब्लिश हो जाएगी, अगर कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी रिजल्ट की वेट की जा रही है और रिजल्ट भी 28th या 30th ऑफ सितंबर तक आ जाने चाहिए।